तो आपके सामने अभी हम 33 और 41 और 37, तो थ्री साइड इस टाइप का मेजरमेंट आएगा, तो इस टाइप का डिज़ाइन हम शो करेंगे आपके सामने। तो चलिए इस प्लान को हम स्टार्ट करते 3D से। तो कैसा 3D आएगा वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। पहले हम 8 फीट हाइट तक लेकर आएंगे, तो उसके बाद 3D बनाने के बाद हम इसका फॉन्ट रिवीजन बनाएंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट करने के बाद 33 और 41 में हम 3x2 के साथ एज पर वास्तु ईस्ट फेसिंग का प्लान यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो उसके हिसाब से हमने जो प्लान बनाया है हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ है जो हम यहाँ पर भी अभी शेयर नहीं किया है, तो जो वो जो है यहाँ पर देखिए 4 फीट में हम यहाँ पर जो वॉल है इसको हम इतना तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर एक कार्ड आ जाएगा, तो जो यहाँ पर बेड और डाइनिंग ड्राइंग इसका एक अच्छा सा डिस्टेंस यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे, जिससे आपका घर का बहुत ही अच्छा सा एक यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 फीट और 2 फीट 6 इंच का डोर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एस्पार वास्तु ईस्ट फेसिंग, ओके, ईस्ट फेसिंग का हम प्लान बनाया है, जिसपे नॉर्थ ईस्ट में हम रखा है इसका पूजा रूम, ओके। तो एस्पार वास्तु वाइज हम यहाँ पर पूजा रूम, बेडरूम, डाइनिंग, किचन, ड्राइंग सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आप इस प्लान को धीरे धीरे इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सा रूम और कौन सा डायरेक्शन में हमने प्रोवाइड किया है, ये सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा प्लान मिल सकते हैं, क्योंकि मिल भी जाएगा। तो आपको अगर लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ऐड और कुछ रिमूव करना है, तो आप इस प्लान को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर डोर का पोजीशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट डोर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम हर घर का एक वेंटिलेशन के साथ इसका विंडो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो रूम में हम विंडो क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसका एयर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपके पास ऑप्शन मिलेगा तो आप ऐसे विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, डक्ट का या वेंटिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेयर का स्टेप 3 फीट, ओके, नेक्स्ट स्टेप इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है, चलिए उसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं 6 इंच से और यहाँ पर 10 इंच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्टेयर का, ओके, और लास्ट स्टेप हम इधर से ऊपर चले जाएंगे। तो चलिए इसका हम फॉन्ट एलिवेशन आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, इसका फॉन्ट एलिवेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो फॉन्ट से आप क्या क्या दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा, चलिए उसको हम यहाँ पर अभी ऐड करते हैं। तो फॉन्ट साइड, इसका टॉप साइड, साइड, बैक साइड, आइसोमेट्रिक व्यू, फॉन्ट से इस प्लान का डिज़ाइन इस टाइप का आएगा। चलिए इसका बाकी डिटेलिंग हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अच्छा, फॉन्ट एलिवेशन देखिए ऐसे फॉन्ट एलिवेशन है इसका, देखिए इसमें एक वुडन फिनिश का विंडो, यहाँ पर एक डोर और 3 विंडो, और इसके साथ देखिए दो, इसका पैरापिट वॉल का डिज़ाइन देखिए यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। इसका फ्रंट के बाद इसका जो देखिए साइड का पार्ट, इधर साइड का पार्ट तो ऐसे आएगा, और इसका टॉप से इस टाइप का दिखाई देगा। तो टॉप व्यू से हम इसका जो अंदर का पार्ट है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम दिखाएंगे क्या क्या है इसमें,
तो चलिए उसको हम अंदर में जाने के बाद आपके साथ देखिए ऐसे। तो घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉइंग का पोजीशन, यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर किचन ईस्ट फेसिंग, यहाँ पर किचन, यहाँ पर आपका पूजा रूम, यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम यहाँ पर, बेडरूम यहाँ पर, बाथ एंड लैट्रिन, यहाँ पर एक टॉयलेट और एक डब्ल्यूसी। और इधर से देखिए स्टेयर, ऊपर जाने का स्टेयर इधर से, ठीक है। तो इसको हमने जो ऑटोकैड ड्राइविंग में प्रोवाइड किया है तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए उसको हम शेयर करते हैं। तो ये फ्रंट एलिवेशन का हम ऑटोकैड ड्राइंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर है ऑटोकैड ड्राइंग, तो चलिए उसको हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। ऑटोकैड ड्राइंग देखिए 33, एक साइड में 37, एक साइड में 41 और एक साइड में देखें। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 12 फीट, यहाँ पर 13 फीट, यहाँ पर 7 फीट 4 इंच, यहाँ पर 9 फीट, यहाँ पर 12 फीट, यहाँ पर 13 फीट 12 फीट 4 इंच, यहाँ पर 12 फीट, यहाँ पर 12 फीट 7 इंच, यहाँ पर 12 फीट 4 इंच, ओके। और यहाँ पर 10 फीट बाई 4 फीट, यहाँ पर 9 फीट बाई 10 इंच 10 फीट, और यहाँ पर 10 फीट बाई 7 फीट। तो आप ड्राइंग को धीरे से देखिए क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ लिख के देंगे तो ऐसे होगा। उसके बाद देखिए फॉन्ट में जो है यहाँ पर ईस्ट, ओके, फॉन्ट में ईस्ट, ओके, और पीछे में वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और लेफ्ट साइड में साउथ, और यहाँ पर नॉर्थ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो देखिए ये साउथ, ओके, तो नॉर्थ साउथ इस टाइप का। तो इसमें जो देखिए इस टाइप का ड्राइंग रहेगा। तो जो इधर से आप हो जाएगा स्टेयर का, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बेडरूम, यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉपी करके हम यहाँ पर रखेंगे बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, ओके। यहाँ पर हमारा रहेगा किचन, ओके, यहाँ पर किचन, यहाँ पर पूजा रूम, तो पूजा या गॉड रूम, जो जो भी आपका समझ में आए, गॉड रूम, पूजा, गॉड, जो भी है। यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट, ओके, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ, और यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट, ओके। तो इस साइड में हमने हमने टी सी जी, तो उसके बाद यहाँ पर जो है डी डब्ल्यू जी ड्राइंग, यहाँ पर जो है डाइनिंग, ओके, काम ड्रिंक, यहाँ पर जो है बाथ एंड लैट्रिन, और यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट और एक टॉयलेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो कॉलम का पोजीशन, हम यहाँ पर ऐसे कॉलम पोजीशन हम यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो आपको कॉलम का पोजीशन अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको कॉलम का पोजीशन कुछ भी पोजीशन में चेंज करना है और लगता है कुछ ऐड करना है आपको तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा कॉलम, और यहाँ पर जो जगह है इसके लिए। तो 33 और 41 का हाउस प्लान एज पर वास्तु हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आपको अगर लगता है इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना। इसके हिसाब से हमने यहाँ पर देखिए, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन का पोजिशन रखा है, यहाँ पर भी हमने ऐसे रखा है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी ऐड चेंज करना है इस प्लान में, ध्यान से देखिए, दो बेडरूम, थ्री बेडरूम, यहाँ पर बाथ, यहाँ पर स्टेयर,
जो एज पर वास्तु साउथ पोजीशन में यहाँ पर हमने मास्टर बेडरूम पोजीशन रखा है, यहाँ पर नॉर्मल गेस्ट रूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर डाइनिंग होना चाहिए, तो हमने यहीं पर कर दिया सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर ओपन होना चाहिए, यहाँ पर पूजा रूम, गॉड रूम या ड्रॉइंग या किचन, यहाँ पर फ्रंट से जाने का, यहाँ पर पोर्च, इस टाइप का पोर्च रहेगा। तो पोर्च देखिए यहाँ पर हमने रखा है पोर्च, चाहिए यहाँ पर ये जो पोर्च है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर।